हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबीस रिव्यूज़। इस वीडियो में हम लोग जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले लोग हैं उन लोगों के लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर बुक का रिव्यू करने वाला है। वो है एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान IAS। ओके, सो इस बुक का क्या खास बात है वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। तो इस वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है बेस्ट फ्री लाइव क्लासेस टॉप अन अकेडमी एजुकेटर से आपको 21 नवंबर को मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री। तो हम देखते हैं कौन सा चीज़ आपको जो कंटेंट्स क्या क्या है। एक्चुअली मोर देन 11 क्लासेस इसमें मेंशन किया है। एक है जो मीडियम इंग्लिश में बताने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी, उसका 2012 का आपसे सुदर्शन गुर्जर सर का क्लास होने वाला है। उसके बाद क्विक डिस्कशन ऑन बायोटेक्नोलॉजी पार्ट वन, राकेश शर्मा सर का, काफ़ी पॉपुलर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एंड एनालिसिस ऑफ करंट अफेयर्स फॉर 2021 के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ पॉलिटी बाई आरती मिश्रा, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी डिस्कस करने वाले हैं आपसे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री भी आपके साथ होने वाला है NCERT का, NCERT समरी, तो आप उसका हेडिंग भी देख लीजिए, एंड करंट अफेयर्स के बारे में एक क्लास रहने वाले हैं, और UPSC CSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रीलिम्स कार्निवल 2012 का पार्ट 1 और 2 बिल्कुल फ्री में दीपांशु सिंह का अभी एक फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलने वाला है। ओके, एंड देयर इज ए लेट नाइट न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 21 नवंबर, उसी दिन का न्यूज़ क्योंकि हमें एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी 2012 पार्ट 1 और 2। ओके, और एक मल्टी फैसेटेड चैलेंजेस ऑफ IPS ऑफिसर्स इन इंडिया एथिक्स केस स्टडी, उसके बारे में भी आपको एक फ्री लाइव क्लास मिलने वाले हैं। उसको कैसे एक्सेस करना है, सिंपल है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, जो लिंक क्लिक कर लो, फिर वहाँ से आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप ये जो वीडियो जो भी क्लासेस है आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं एक्चुअली। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप अन अकेडमी का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन और मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अभिराम YT10 जो कोड यूज़ करने से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। ओके, तो आजकल हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट आप इसके अन अकेडमी के थ्रू आराम से घर बैठ के आपका पढ़ाई कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट अफोर्डेबल वे में। जो मेन खास बात इसका मैं ये बताना चाहता हूँ, सोशियोलॉजी का जो सिलेबस कंप्लीट कवर करके जो पहला बुक है ये एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक। तो जो भी सोशियोलॉजी का जो ऑप्शन लिया उन लोगों को पता है, मतलब सारा सिलेबस इंक्लूड करके एक बुक नहीं है, आपको अलग अलग बुक खरीदना पड़ता है सोशियोलॉजी प्रिपेयर करने के लिए। बट इस बुक में आपका सोशियोलॉजी का पूरा डिटेल्स कवर कर चुका हूँ, तो अगर कोई भी बंदा अगर सोशियोलॉजी लेना भी चाहता है तो ये बुक खरीद के एक बार पढ़ सकते हैं, तो उन लोगों को समझ में आ जाता है सिलेबस के हिसाब से क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है और क्या कैसे कैसे इसको टैकल करना है। ओके, तो इस बुक का प्राइस वगैरह मैं इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा, वहाँ से लिंक भी रहेगा जो एक्चुअल प्राइस से सस्ते में आप खरीद सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं। तो इसका पहला बुक 2017 में रिलीज हुआ था फर्स्ट एडिशन, उसके बाद जो रीप्रिंट 2020 तक हुआ है। ओके, इसमें ज़्यादा अपडेशन, थोड़ा बहुत अपडेशन भी होते जाते हैं, बट मेनली सोशियोलॉजी है तो बेसिक चीज़ें हमेशा उसमें ऐसे रहते हैं, मतलब कोई करंट अफेयर्स वगैरह का अपडेट इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका जो जो पार्ट वन, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी सोशियोलॉजी का जो ऑलरेडी सिलेबस, मतलब लोगों को पता भी चल जाएगा पूरा कवर कर रहे कि नहीं। ओके, तो पार्ट वन में सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बताएगा, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री को कैसे कनेक्शन होता है, इवन एंथ्रोपोलॉजी भी आता है एक्चुअली। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली। ओके, एंड सोशियोलॉजी ऐसे साइंस लाइक मेजर थियोरेटिकल साइंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड ऑल द स्टफ दैट विल बी देयर, जो भी सोशियोलॉजी वाले लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है उसके बारे में, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज, चैप्टर 3 में रिसर्च मेथड्स के बारे में बता रहा है एक्चुअली। वो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक वेरिएबल सैम्पलिंग ऑल दो स्टफ, एंड ये सोशियोलॉजी का कोई भी अगर ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है तो मेन चीज़ हमेशा सोशल थिंकर्स के ऊपर ही हो, हम इसका क्लासेस ज़्यादा होने वाले। अगर आप इसका प्रिपरेशन ऑप्शनल दिल्ली में कर रहे हैं तो वाजिरामन देवी का एक पॉपुलर सर है, मोहपत्रा सर, सब लोग जानते हैं, और विकास रंजन करके दूसरा इंस्टीट्यूट का है, तो अलग अलग पॉपुलर फैकल्टीज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एंड दुर्खैम के बारे में है, एंड मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्टन, मीड, ये जो ए फिलोसफी क्लास में बार बार सर बोलते रहेगा, और स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये इसका इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप वीडियो पोस्ट करके उसको देख सकते हैं। ओके, उसके बाद चैप्टर 6 में वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, एंड
हर चैप्टर के बाद आपको एक क्वेश्चन बैंक भी मिल रहा था, जैसे आर आर एडवांटेज और सिस्टम्स ऑफ किनशिप, सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, ये सब आपका सिलेबस के हिसाब से। तो आप देखे जाएगा तो जो पार्ट टू सेक्शन ए में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड जो कॉलोनियल रूल के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल क्लासेस, ट्राइबल कम्युनिटीज इंडिया, ओके। तो ऐसा करके आपको पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है, मतलब सोशियोलॉजी का सिलेबस वो कवर कर रहे हैं। इसलिए बुक इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा सिलेबस आपको कवर कर रहे हैं, वो भी आप एक लक्ष्मीकांत बुक जैसा उतना ही बड़ा है, आराम से उसको आप कवर कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं इसका प्रेजेंटेशन कैसे है। प्रेजेंटेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिया है, ओके। डायग्राम्स वगैरह है तो लाइन डायग्राम आपको अंडरस्टैंडिंग मिलने के लिए कुछ चीज़ें हाईलाइट करके प्रोवाइड किया है। इसमें माइंड मैपिंग यूज़ किया है और फ्लो चार्ट का मेथड्स भी यूज़ किया है, टेबल्स भी प्रोवाइड किया है। और आप देखो तो स्पेसिंग काफ़ी पॉपुलर लिख, मतलब स्पेसिंग वगैरह एंड लैंग्वेज काफ़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया है। ऑलरेडी एक IAS ऑफिसर ने लिखा है ये जो बुक, उसका जो स्टैंडर्ड आपको पता चल जाएगा, ओके। और फ्रेंच रेवोल्यूशन वो सब चीज़, मतलब कैसे वो अलग नया जो PPT में जो नया चीज़ वगैरह है उसको यूज़ किया है। तो काफ़ी इंटरेक्टिव बुक है, आपको समझने के लिए लाइक थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। आप जैसे, मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे आप दिल्ली में जाते हैं ना, कोई भी पहली बार सोशियोलॉजी की क्लास अटेंड करने जा रहा है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अलग कुछ गिने चुने टीचर्स इसका पढ़ाते हैं और उस लोगों का स्टाइल डिफरेंट रहता है। तो ये बुक आपके पास है तो आप एक बार सिलेबस के हिसाब से, अगर आपको पता है नेक्स्ट डे वो बोलते हैं यार थिंगर्स के बारे में बात करने वाला है, तो आप इसमें अंदर जो थिंगर्स के ओवरव्यू पढ़ के गया तो आप आराम से समझ में आ सकते हैं, ओके। एंड सोशियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जो प्रिपरेशन का चीज़ है, मैं अगर बोला तो ये बुक ओके दे, हर चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है। तो आपको थोड़ा बहुत आपका थॉट प्रोसेस UPSC के हिसाब से अलाइंड है कि नहीं, आपको इसमें इसके थ्रू पता चल जाएगा, ओके। सो दिस इज गुड। एंड सोशियोलॉजी सिर्फ सोशियोलॉजी एस्पिरेंट्स लोगों के लिए नहीं है, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन हमारा इसमें भी आता है, जो नॉर्मल अदर जो GS सब्जेक्ट्स है उसमें भी सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंस उसमें है। तो आप ये पढ़ने से आपको एसए, जितना भी एसए पूछते हो सोशियोलॉजी के ऊपर ही जो 90% क्वेश्चन, हमेशा जो एसए का जो क्वेश्चन रहता है ना, वो सोशियोलॉजी से पिक करते हैं क्वेश्चन, ओके। तो अगर एक बार सोशियोलॉजी अच्छी तरह पढ़ना आपको, इट्स ओवरऑल थिंग, ये सारा सब्जेक्ट इसको टच करता है सोशियोलॉजी एस्पेक्ट। इवन आप मेन्स का आंसर लिखते हैं आपको सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव लिखना पड़ेगा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लिखना पड़ेगा एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, उसमें भी एक अहम रोल ये करता है। अगर आप ये खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आपको इसको इससे सस्ता में मिलेगा जो एक्चुअल शॉप से लेने से, जो सस्ता में आपको मिलने वाला है, ओके। और कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है इसके बारे में, आप ज़रूर चैनल का लाइक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ओके। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर। बाय बाय। दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर। बाय बाय।